हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेई मेन जो कि 29 जून को हुआ था 2022 में शिफ्ट वन में। और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर 1000 वीडियो है। अगर आपका भी कोई भी डाउट है फिजिक्स में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट भेज सकते हैं। मैं हर किसी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डाउट होते हैं, उसको क्लियर करवाता हूँ। तो इसी सीरीज में अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 120 द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन वायर इज शोन इन द फिगर। वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड करंट का वेरिएशन दिया हुआ है। वैसे भी आपको पता है वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर वी है और यहाँ पर आई और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पर थीटा भी गिवन है 45 डिग्री। और हमने पढ़ा है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में I। और V अपॉन I इस ग्राफ की स्लोप भी तो होगी और वही स्लोप होगा tan थीटा, मतलब रेजिस्टेंस R। तो इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जो कि tan थीटा के इक्वल होगा। tan थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो मुझे ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस इस वायर का कितना होगा, 1 ओम। अब आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द वायर इज 31। इसकी लेंथ हमें गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है, डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर। तो पहले इसका रेडियस अगर हम करें तो डायमीटर उसका हाफ, सो इट विल बी इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो रेडियस हो जाएगा 1.2 × 10⁻², और यहाँ पर आएगा मीटर। इसी तरह से जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 31.4 है तो 31.4 × 10⁻², लेंथ होगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर इज, अब इसकी रेजिस्टिविटी हमें x इंटू में 10⁻³ गिवन है और हमें x ही फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी कितनी है, x इंटू में 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। वैसे ये सेंटीमीटर में तो हमें इसको जरूरत नहीं कि हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो सभी चीज़ें सेंटीमीटर में तो हम उसको जरूरत नहीं है, उसको चेंज कर दें। देखो R इक्वल टू फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन में एरिया, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी रेजिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ L। अब रो हमें गिवन है कितना, x इंटू में 10⁻³। अब आ जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने फाइंड करा था, रेजिस्टेंस है 1 ओम इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई इंटू में आर का स्क्वायर अपॉन में लेंथ। तो सब वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्स है इंटू में 10⁻³, ये इसको ध्यान रखना ये एक्स है और ये क्रॉस का साइन है, फिर 1। तो मैं यहाँ पर इंटू को क्रॉस ना लगा कर डॉट लगा देता हूँ, उसे आप समझ लेना, लेकिन फिर डॉट पॉइंट है तो थोड़ा सा छोटा सा मैं इसको क्रॉस बना देता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 1.2 सेंटीमीटर है तो उसको 1.2 सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ एल है 3.14 सेंटीमीटर में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी 144, तो यानी कि जो टोटल रेसिस्टिविटी होगी मटेरियल की वो हो जाएगी 144 × 10⁻³। तो इस तरह से हम, मतलब एक तो हमने कंसेप्ट लगाया है ओम्स लॉ का, एक कंसेप्ट लगाया कि ग्राफ से हम किस तरह से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया।